हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर की इस कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की सतत विकास सूचकांक 2021 में बिहार के निम्न रैंक के कारण तथा इसमें सुधार हेतु उपायों की विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द रीजन्स फॉर बिहार लो रैंक इन द रिसेंटली रिलीज नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 एंड मेजर्स टू इम्प्रूव इट। तो इस प्रश्न के उत्तर को पहले इंग्लिश मीडियम के जो सबसे बेस्ट उत्तर है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इसके बाद हिंदी माध्यम का जो सबसे बेहतर उत्तर है इसी वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसको परिभाषित करने की कोशिश की है भूमिका में कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन ब्रंटलैंड कमीशन 1987 डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूरा करना। लेकिन जब आप किसी कमेटी की का जिक्र करते हैं तो उससे उस परिभाषा की महत्व जो है बढ़ जाता है और आपका परिभाषा ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। इसके बाद इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी कि MDG का जिक्र किया है और इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और उसमें 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स रखे गए हैं 169 टारगेट्स। अब इन्होंने बताया है कि नीति आयोग जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है जिसको SDG इंडिया इंडेक्स कहते हैं, उसमें जो 17 यूनाइटेड नेशन के टारगेट एम्स हैं लक्ष्य हैं उसमें 16 लक्ष्यों को इस बार की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसमें राज्यों को अलग अलग अंकों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। इसकी की चार्ट बनाकर इन्होंने दर्शाया है, आप देख सकते हैं कि परफॉर्मर, एस्पिरेंट्स, फ्रंट रनर और अचीवर्स, जो सबसे बेस्ट स्टेट होता है उसे अचीवर्स की श्रेणी में रखा जाता है। जो नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स जारी की है वो नीति आयोग द्वारा जारी ये तीसरी इंडेक्स है, यानी कि इस तरीके के दो एडिशंस पहले भी आ चुके हैं। इस एडिशन में आप देखेंगे कि केरला 75 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है, वहीं 52 अंक स्कोर के साथ बिहार जो है वो सबसे निचले पायदान पर है और ये लगातार तीसरी बार हुआ है जब बिहार सबसे न्यूनतम पायदान पर रहा है। पहली रिपोर्ट में बिहार का जो स्कोर था वो 49 था जो बढ़कर अब 52 हो गया है। तो आखिर वो कौन कौन से चैलेंजेज हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसके कारण बिहार इस रैंकिंग में सबसे न्यूनतम स्थान पर रहा है, तो उन चुनौतियों को इन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड ज्योग्राफिकल श्रेणी में वर्गीकृत करके बताया है। कि सोशल इशूज क्या हैं, जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ के लिमिटेड रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा है। बिहार का जनसंख्या घनत्व यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106 है। ब्रेन ड्रेन की समस्या है, एग्रेरियन स्टेट है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिसिंग है जिसका कारण क्या है, क्रिमिनलाइजेशन है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी पॉलिटिकल व्हील की कमी है। ज्योग्राफिकल कारण क्या है, तो नेपाल के एरिया से बाढ़ में आने कारण आधा हिस्से जहां फ्लड से प्रभावित होते हैं वही साउथ बिहार के हिस्से ड्रॉट से प्रभावित होते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति अच्छी नहीं है, लो लिटरेसी रेट है इंडिया में। अब इस पे फोकस कैसे किया जा सकता है, अब इसे सुधारा कैसे जा सकता है, सुधारने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो आप जब उपाय की बात करोगे तो TFR में क्या करनी होगी, सुधार करनी होगी, MMR में सुधार करनी होगी, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, लिटरेसी रेट बढ़ाना होगा, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करनी होगी, MSME को प्रमोट करना होगा, किसान संपदा योजना और जो थर्ड कृषि मैप है उसको बढ़ावा देना होगा, स्टार्टअप बिहार जो स्कीम है उसके अंतर्गत SC ST उद्यमियों को बढ़ावा देना होगा, खेती में GM क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जा सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कि आपको मैंने बताया एग्रीकल्चर रोड मैप 3 के जो भी लक्ष्य हैं उसे हासिल करने की कोशिश करनी होगी। यानी कि सारे बिंदुओं को इन्होंने बिंदुवार तरीके से और फिर अदर्स क्या क्या प्रयास होने चाहिए इन सारे चीज़ों को इन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से अपने उत्तर में निरूपित किया है। अब हिंदी माध्यम का एक बेस्ट उत्तर देख लेते हैं। इन्होंने भूमिका थोड़ी अलग तरीके से लिखी है जैसे उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हुए भूमिका लिखी थी, लेकिन इन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर ही भूमिका स्टार्ट की है। ये भी अच्छी भूमिका है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक के 30 के संस्करण में औसतन देश की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 6 अंकों में सुधार आया है। वहीं राज्यों की सूची में केवल केरल 75 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर तथा बिहार 52 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर है। नीति आयोग की जारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की दृष्टि से यह सूचकांक महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्र के 17 लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, जिसके लिए आवश्यक है कि देश के सभी राज्यों का प्रदर्शन बेहतर हो। बिहार में खराब प्रदर्शन पर चिंता का विषय है, जिस पर पर्याप्त कार्य करने की जरूरत है। अब इन्होंने बताया है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राज्यों के इसमें 4 सूची में बांटा गया है, आकांक्षी, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर्स। सेम तरीके से इन्होंने भी उत्तर को लिखा है फ्लो चार्ट के माध्यम से, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी। इसके बाद सबके अंदर पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ अभी, फिर इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। आर्थिक कारक में कृषि, उद्योग, सेवा, बैंकिंग, विमान। कृषि सेक्टर में मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं, समाधान क्या होना चाहिए। राजनीति में क्या है कि राज्य की सरकार को किसी भी स्थिति में सुधार के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। वित्त हेतु केंद्र पर निर्भरता है। गठबंधन की सरकार, जटिल नीति व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इनोवेशन पे खर्चे कम किए गए हैं बिहार में, जिसके कारण अनुसंधान केंद्रों का अभाव है। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा, कृषि का आधुनिकरण करना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन के विकास पर विशेष ध्यान देने होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुपोषण, बाल मातृत्व, मृत्यु दर कम करने, स्वास्थ्य तक सभी की पहुंच, टीकाकरण, समावेशी लक्ष्यों को पूरा करना होगा। राज्य में उद्योग धंधों के विकास के लिए वातावरण बनाना होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सुधारनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। जो बार बार नॉर्थ बिहार में बाढ़ की समस्या आती है उसका स्थायी समाधान की कोशिश करनी होगी। जो औद्योगिक नीति 2016 है, स्टार्टअप नीति है, जल जीवन हरियाली जैसे 7 निश्चय, 2.0 कृषि रोड मैप, खाद संस्करण को बढ़ावा देना होगा, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देकर डिजिटली तकनीकी शिक्षा। अब इसके बाद आप इन सारे उपायों को बताने के बाद एक संतुलित निष्कर्ष लिखेंगे कि सतत विकास सूचकांक में बिहार की स्थिति बेहतर हुए बिना देश के औसत में वृद्धि कमतर ही रहेगी, अर्थात लक्ष्य पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में
राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, अन्य गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इस सूचकांक के सभी घटकों पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन ही राज्य के विकास अर्थात सतत विकास को सुनिश्चित करेगा, जिससे एक समावेशी समाज का निर्माण हो सकेगा तथा भारत SDG 2030 के लक्ष्यों को समय से पूरा करने में सफल हो सकेगा। तो ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के उत्तर लिखकर आप हमारे साथ साझा करें तो टेलीग्राम हमारी एक ग्रुप है, उसका लिंक मैं आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।